क्लास रिकॉर्डिंग पर स्टार्ट हो चुकी है। आज का टॉपिक है हमारा बार ग्राफ। डेट है आज की 7 जनवरी 2022 और आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है बार ग्राफ। ठीक है, तो बार ग्राफ क्या होता है? बार, ये बार क्या होते हैं? ये बार होते हैं इस प्रकार के कॉलम। ये जो कॉलम्स होते हैं इन्हें बार कहते हैं। वो कॉलम सीधे खड़े हो सकते हैं या इस प्रकार के भी बनाए जा सकते हैं, इन्हें भी बार कहा जाता है। किसी ग्राफ के अंदर अगर ऐसे बनाया है या फिर ऐसे भी ग्राफ के अंदर कॉलम बनते हैं। और ये जो कॉलम होते हैं, ये जो बार जो बनाए जाते हैं, वो उनके नीचे नेम होते हैं किसी के। वो नाम किस किस के हो सकते हैं? किसी ईयर का नाम हो सकता है, किसी बच्चे का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है। मतलब ये बार जो बनाए जाते हैं वो किसी के नाम के बनाए जाते हैं। और इनकी हाइट कितनी होगी, इनकी हाइट कितनी होगी, ये डिपेंड करती है उसकी वैल्यू पर। और वो वैल्यू हम यहाँ पर नंबर डालते हैं और उस नंबर के हिसाब से ये छोटा या बड़ा बार बनाया जाता है। ठीक है, जिस तरफ ये है इस तरफ नेम होंगे और दूसरी साइड जहां से उनकी हाइट जाती होगी वहां पर उनकी वैल्यू होगी, कोई नंबर, कितने नंबर तक वो है। क्लियर? तो ये वाले बार्स को जो इस तरह से सीधे खड़े हैं इन्हें वर्टिकल बार्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? और इस प्रकार के और इस तरह के हॉरिजॉन्टल बार कहलाते हैं, हॉरिजॉन्टल बार। क्लियर? कुछ बातें इसकी ध्यान रखनी है कि जब बार बनाए जाते हैं तो उनकी जो मोटाई होती है, जितनी मोटाई आप पहले वाले बार की बनाओगे उतनी ही मोटाई सबकी होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। मोटाई हमेशा सेम रहनी चाहिए, उनकी थिकनेस जो है हमेशा सेम रहनी चाहिए। ओके, दूसरी बात, जब एक बार को बनाने के बाद दूसरा बार जब बनाया जाता है उनके बीच में जो गैप लिया जाता है, उनके बीच का जो गैप होता है, जैसे यहां से यहां तक इसका जो गैप है, उतना ही गैप दूसरे वाले बार के बीच में भी सेम गैप होना चाहिए। पहली बात, जो बार्स होंगे उन सब की मोटाई सेम होनी चाहिए, थिकनेस सेम होनी चाहिए। दूसरी बात, एक बार बनाने के बाद जब दूसरा बार बनाया जाता है तो उनके बीच में जो गैप लिया है, हर बार नेक्स्ट बार बनाते वक्त उतना ही गैप रहना चाहिए, ना गैप कभी कम करना है और ना ही गैप ज्यादा करना है। अगर ये बात याद रखोगे तो आपके ये बार ग्राफ बहुत आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार ग्राफ बना के दिखाता हूं। एक्सरसाइज 14.3 में आ जाओ, एक्सरसाइज 14.3 में क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। एक्सरसाइज है 14.3, इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें एक टेबल दी हुई है, एक तरफ पेट लिखा है, मैं इस तरफ पेट लिख देता हूँ। पेट, पेट माने होते पालतू जानवर। और नंबर ऑफ प्यूपिल हु हैव दिस पेट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, प्यूपिल का मतलब होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे है नंबर ऑफ प्यूपिल, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हों के पास वो पेट हैं, हु हैव दिस पेट। तो सबसे पहला पेट कौन सा है? पैरट। हाँ, पहला है पैरट। और पैरट कितने बच्चों के पास है, कितने स्टूडेंट्स के पास है? 5 स्टूडेंट्स के पास। दूसरा पेट है कैट, वो कितने बच्चों के घर पे हैं?
सेवन स्टूडेंट के घर पे। नेक्स्ट इज डॉग, डॉग कितने स्टूडेंट के पास है? एट स्टूडेंट। फिर है हॉर्स, हॉर्स कितने लोगों के यहाँ पर है? स्नेक, ये भी पेट में आता है लेकिन अधिकतर नहीं रखते हैं, तो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो घर में सांप पालता हो, नहीं है ना। मंकी, ओके, केवल एक ही बच्चा ऐसा मिला जिसके पास मंकी था घर पे। अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या बताया था कि जो नेम है वो नीचे की तरफ बनाने हैं, ओके, और जो नंबर है वो साइड में बनाइएगा। तो पहले तो सबसे बड़ा नंबर कितना है इसके अंदर? एट है ना, सबसे बड़ा नंबर कितना है? एट। अब हम ग्राफ बनाने वाले हैं, यहां पर बना लाइन ड्रॉ करते हैं। कुछ एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, देख रहे हैं ना, बिल्कुल ग्राफ का जो पेपर होता है हमारे पास बिल्कुल उसी तरह का हमने यहाँ पर ले लिया, ओके। अब हम इनके बीच में जो करें कि नंबर्स डाल दें हम, पहला है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सबसे ज्यादा एट ही था ना सबसे बड़ा नंबर, फिर भी हमने उससे एक फालतू नंबर नाइन तक लिख लिया। और ये पॉइंट जो होता है ये जीरो होता है, याद रखना, जो वर्टेक्स होता है यहाँ पर ओरिजिन, ये जीरो कहलाता है। अब हमें एट तो बनाना है, आपको मैं बता दूं कि हमें यहां पर एक हमारा ग्राफ बनेगा, इसमें से एक एक गैप छोड़ करके लेते जाएंगे हम। तो पहले वाला कौन है? पैरेट, तो हम यहां पे पैरेट लिख देंगे, पैरेट। दूसरा कैट, तीसरा डॉग, चौथा हॉर्स, और बेटा पांचवा स्नेक, और छठा मंकी, ठीक है। पांचों को हमने सेम गैप दे दे करके नाम लिख दिया है। तो जरा मुझे बताइए पैरेट का जो था वो कितना है? अब रेड से हम इनके वो बने, वो है फाइव, तो फाइव तो यहाँ पे है, देख के हम इसका एक कॉलम लेते हैं, फाइव से शुरू करते हैं, हो गया, समझ में आया? क्योंकि फाइव था तो फाइव तक ही पहुंचाया ना हमने इसे। नेक्स्ट जो था वो कितना है हमारा? सेवन, तो हम सेवन वाले पे यहां से ले लेंगे, हमारा सेवन वाला यहाँ से बनता जाएगा, बन गया। आप देख रहे हैं ना, इन बिल्कुल दोनों की जो मोटाई है थिकनेस है सेम है ना, बराबर मोटाई के है ना ये दोनों। अब डॉग का बताइए, डॉग का कितना था? एट, तो हम थोड़ा इधर तैयार करके यहां से, ओके। नेक्स्ट थ्री, ठीक है, उससे नेक्स्ट जीरो, तो जीरो पे तो बनाएंगे ही नहीं, फिर हम फिर मंकी वाला वन है बस वहीं बना देंगे, जीरो वाले को खाली छोड़ देंगे हम, क्लियर, ओके। नहीं तो हम एक काम कर सकते हैं, यहीं पर एक नहीं खाली छोड़ो तो वो जीरो होता, ठीक है,
ये हो गया आपका, इसके ऊपर नंबर लिख दीजिए 5 7 8 3 0 1। क्लियर? समझ में आया आपको? अब ये जो नंबर थे, ये जो हमने 1 2 3 जो दिए थे, ये क्या थे? इनका हम लिखेंगे यहां पर, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ ट्यूपिल। ये है हमारे नंबर ऑफ ट्यूपिल, ये हमारे नंबर ऑफ ट्यूपिल थे कितने हैं। और नीचे वाला जो था ये नेम ऑफ सेट थे, नीचे वाले जो हमने लिए थे ये थे नेम ऑफ पेट, पालतू जानवरों के नाम। बेटा ये तो कॉपी में बनेंगे बेटा, वो अगर आप कहीं से ग्राफ का पेपर ले लो, ग्राफ पेपर छोटी सी पतली सी कॉपी, उसमें बना लेना, या 2-3 पेज ले लेना उसमें बना सकते हो। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुकना। हाँ, तो आप नॉर्मल कॉपी, या फिर एक काम करो, सबसे अच्छा तरीका बताऊं, आपके पास किसी के पास पहली दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों की इस तरह की बॉक्सेस वाली नोटबुक होती थी ना मैथ की, याद है? अगर वो है तो, वो है तो उसका एक पेज, उसके एक या दो पेज लेकर उसे बना लेना, नहीं तो ग्राफ का पेपर लेना है तो उसे बना लेना। हाँ, अब मैं आपको एक और बना के दिखा रहा हूँ, इसमें वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान देंगे। इसमें एक तरफ है डेज और एक तरफ है अटेंडेंस। तो पहला डे क्या है? मंडे। मैं यहीं पे अब इसको टेबल को थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इनके बीच में इनके डे जो अटेंडेंस है 30, 28 और 25, 29, 34 और 32। ठीक है, अब हम इनके इनका ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, बना देते हैं। इसको एक काम करते हैं, ये थोड़ा लग रहा है कि ज़्यादा हमने ले लिया, इसको अब हमारे पास ग्राफ में तो जो डेज है ये तो नेम है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, और जो नंबर है ये वाला हमारा लेफ्ट साइड में खड़े वाले जो हमारा जो आएगा इसपे, उस पर हम ये नंबर डालेंगे। सबसे बड़ा नंबर कितना है इसमें, जल्दी से बताइए कितना है? सबसे बड़ा है 34। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर जब हम ग्राफ बनाने वाले हैं उसमें 4 का टेबल ले सकते हैं ना, 4 9 36 तक जाता है, जाता है बेटा 4 9 36 जाता है। तो हम यहाँ पर जो गैप लेंगे वो 4 का ही ले लेते हैं। एक बनाया, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसमें काम चल जाएगा हमारा। एक और ले लेते हैं, जो नेम लिखे जाएंगे 7 नेम आएंगे, तो मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आ जाएगा इसके अंदर, जो कि बड़ा ही बन गया है, कोई बात नहीं। अब हम नंबर डाल रहे हैं यहाँ पर, नंबर जैसे कि यहां से यहां तक पहला वाला नंबर लिया हमने, 4 4 का गैप कर दिया, 4 2 8
फोर थ्री जा, सॉरी टू लिख दिया मैंने, तो फोर थ्री जा कितना आएगा, ट्वेल्व फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट थर्टी टू थर्टी थ्री और फोर्टी, तो सारे नंबर इसी के अंदर आ जाएंगे ना। तो ये हमारा पहले वाला नीचे का तो जीरो होता है, वो बताया था मैंने। तो अब हम यहाँ पर फिर इनके नाम भी डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ ले लिया पहला वाला हमने मंडे के लिए, तो एम ओ एन, दूसरा वाला टी यू ई, तीसरा वेडनेसडे के लिए डब्ल्यू ई डी वेडनेसडे, ये थर्सडे का है टी एच यू थर्सडे, ये फ्राइडे का एफ आर आई फ्राइडे, और ये ठीक है, बातें आगे की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं कौन सा कितने नंबर तक जाएगा, तो बताइए मंडे का कितने तक का है। अब आप बात देखिए, इसमें कहीं पे थर्टी लिखा है क्या, नहीं लिखा, तो थर्टी किसके बीच में आएगा, कौन बच्चा बताएगा। बिल्कुल आएगा, मैं देखो यहाँ पे कुछ नंबर बना रहा हूँ, चार टुकड़े कर रहा हूँ, एक तीन लाइन लगाई या फोर पार्ट कर दिया, ये कितना था 28, नेक्स्ट वाला कितना आएगा, फिर उससे नेक्स्ट 30, 31, 32, तो 30 कौन सा वाला आएगा, सेकंड नंबर पे, ये हमारा 30 है ना, यही वाला है ना हमारा 30। अगर आप अगर हम इसको यहां तक लेके आएंगे तो 30 किस वाली जगह पे आएगा। ओके तो शुरू करते हैं हम यहां से, शुरू ग्रीन कलर से बना मंडे का हमारा जाएगा यहां, आ गया था ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमने लिख दिया के लिए 30, बाद में लिखेंगे नंबर, पहले बाकी को बना देते हैं। ट्यूजडे पे कितना है, ट्वेंटी एट, तो पूरा दिख रहा है ना आपको, ट्वेंटी की, ट्वेंटी एट की तो लाइन थी ना हमारे पास। वेंसडे में कितना है, अब 25 कहाँ मिलेगा, आप ये देखिए 24 था, इसके लिए अगर हम टू पार्ट करेंगे तो इसका जस्ट ये वाला पहले वाला ही 25, 26, 27 और 28, तो 25 जस्ट ये पहले वाला है। तो हम इसको अगर डैश 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 करके पेंसिल से आगे की तरफ ले जाएं, बिल्कुल इधर, चलिए हमारे लिए क्या बेटा, बिल्कुल बेटा ये सारा ही पेंसिल से बनेगा, ठीक है बेटा। माइक ऑफ कीजिए, घर की बातें नजर सुनाई देती है यहाँ पे, माइक ऑफ कीजिए। और ये पहले भी बता रखा है, घर में कोई बात करे तो आप माइक मत ऑन कीजिए। तो हमारा वेंसडे का बनेगा 25 का, ये बना 25, ठीक है। नेक्स्ट कितना है, 29 तो ये रहा हमारा 29, जस्ट यहाँ पर है हमारा, देख सकते हैं आप। ठीक है, सॉरी ये तो 27 बना दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी, ठीक 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 ठीक,
मैंने ऊपर की बजाय नीचे वाले तक पकड़ लिया उसको, ये वाला है। ठीक है, यहाँ पर हमारा 29 आ जाएगा, तो इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, 29 हो गया। नेक्स्ट कितना है? 34। तो 34 कितना आएगा, कहाँ पर आएगा? देखिए 34 आएगा बिल्कुल 33 यहाँ होगा, 35 यहाँ होगा, 34 यहाँ बिल्कुल सेंटर में होगा, बिल्कुल सेंटर में, यानी कि यहाँ पर होगा बिल्कुल सेंटर में, 34 है ना। तो इसको भी बनाते हैं जरा। ये हमारा है 34। नेक्स्ट 32। 32 और 32 तो बना हुआ है हमारे पास, इसकी तो लाइन है हमारे पास, डायरेक्ट बन जाएगी वो तो। क्लियर? तो देखा हमने हमारा 32, हमारा 32 ऐसे जा रहा था, सेंटर से जा रहा था यहाँ पे। अब हम इनकी वैल्यूज लिख दें। पहला कितना था? 30, 28, 25, 29, 34 and 32। समझ में आई? समझ में आया? तो इस प्रकार से हमने ग्राफ को बना दिया। तो एक ग्राफ आपके लिए बनाने के लिए छोड़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब बोलिए, एक बच्चा कुछ कहना चाह रहा था, बोलिए। बिल्कुल लिख सकते हैं आप, इसके अंदर भी लिख सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनके अंदर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2 में, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? और भी एक तरीका, एक तरीका और देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में ऊपर भी लिखा हुआ है, लिखा है ना। अब लेकिन अब सुनिए, हमने एक जो हमने जो क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पर एक एक का जो गैप दिया था, यहाँ पर हमने एक चीज को मेंशन नहीं किया। क्या नहीं किया? अब आप उसको ध्यान दीजिए, ये वाली लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? ये वाली लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो सीधी खड़ी लाइन है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? तो अब दूसरे वाले फिगर में भी हम यही लिखेंगे। एक मिनट बेटा, ये है हमारा वाई एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल वाला हमारा था एक्स एक्सिस। ठीक, अब हमने एक काम करना है, वाई एक्सिस पे जो हमने गैप दिया था, ठीक है, यहाँ पे जो है वाई एक्सिस पे जो हमने गैप दिया था, आपका जो वन यूनिट आपने इसके अंदर जो वन सेंटीमीटर का, ये समझ लीजिए वन सेंटीमीटर है, सारे सारे सेंटीमीटर में, तो वन सेंटीमीटर में हमने वन स्टूडेंट को काउंट किया था, वन क्यूपी। वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस में हमने क्या काम किया था, ये जो वाई वाला था यहाँ पे जो हमने काउंटिंग दी थी 1 2 3 4, एक एक सेंटीमीटर में एक एक स्टूडेंट लिया था,
बेटा जिसका ये माइक ऑन हो रहा है ना, नेक्स्ट टाइम मैं उसको क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। साहिल क्या बात है, आपने माइक क्यों ऑन किया हुआ है और आपके वहां से आवाजें आ रही हैं? आपको क्लास नहीं करना है तो आप क्लास लेफ्ट कर जाइए, कम से कम दूसरे बच्चों को तो डिस्टर्ब मत कीजिए। अब यहां पर जब हमने बात करी है, यहां पर एक सेंटीमीटर का गैप जो हमने यहां लिया है वाई एक्सिस में, यहां पर 1 सेंटीमीटर के गैप में हम कितने कितने नंबर ले रहे थे? 4। लेकिन ये 4 है क्या? ये 4 है अटेंडेंस, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में हम 4 यूनिट को ले रहे हैं अटेंडेंस की। देखा हमने 4-4 का गैप लिया था ना, सबने 4-4 का गैप लिया था भाई पे, तो 1 सेंटीमीटर में हमने कितने का कितनी यूनिट ले रहे हैं वो लिखना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 7 में भी जब आप इस प्रकार से कोई बनाओगे वाई एक्सिस पे जो आप नंबर्स लोगे, आपको बताना पड़ेगा कि 1-1 सेंटीमीटर पे आपने कितने कितने यूनिट को लिया है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7 आप करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। पहले इनके नाम डाल देते हैं, ये क्या है? ये अटेंडेंस है, ये अटेंडेंस थी। और नीचे डे, अब सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। आपके पास पहले से ही बार ग्राफ बना हुआ है, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स निकालने हैं। सबसे पहला वाला, विच गेम इज मोस्ट पॉपुलर इन द स्कूल, सबसे ज्यादा कौन सा स्कूल वो गेम पॉपुलर है स्कूल के अंदर, जिसकी हाँ जिसका बार सबसे बड़ा है वो है इंडोर गेम। इंडोर गेम का मतलब होता है घर के अंदर बैठ करके खेलने वाले। नंबर 2, विच गेम इज द लीस्ट पॉपुलर, सबसे कम पॉपुलर कौन सा है? टेनिस। इफ ईच स्टूडेंट इज अलाउड टू एनरोल फॉर ओनली 1 गेम, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द स्कूल, अगर ये कहा जाए कि हर बच्चा एक गेम में तो पार्टिसिपेट जरूर करेगा, तो जरा मुझे बताइए टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं। सबसे पहले आप मुझे हॉकी का देख करके बताइए, हॉकी के कितने स्टूडेंट हैं? क्रिकेट में कितने हैं? 9 से देख करके आगे बढ़ते जाइए। क्रिकेट में है हमारे पास 60 स्टूडेंट। टेनिस में फुटबॉल में फुटबॉल में है हमारे पास 70 और इंडोर गेम्स में 90। और ऐसे बच्चे जो कोई गेम ही नहीं खेलते, टोटल स्टूडेंट कितने हुए फिर? टोटल स्टूडेंट्स होंगे इन सब को प्लस करके 300। ओके 300 स्टूडेंट, स्कूल के अंदर 300 बच्चों का पॉपुलेशन है। अब फोर्थ वाले में फोर्थ का आंसर, How much is the number of students playing football more than number of students playing hockey? Football वाले कितने हैं?
70, और हॉकी वाले कितने हैं? 1 सेकेंड, देखिए फुटबॉल में 70 थे और हॉकी में 40 थे, तो फुटबॉल में कितने ज्यादा हैं? 30 स्टूडेंट्स ज्यादा हैं फुटबॉल में, हमसे यही पूछ रहे थे कितने ज्यादा हैं फुटबॉल के अंदर हॉकी से, 30 स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, बोलो बेटा। अभी फिर से देख लेते हैं, 40 सही लगाया था, 60 सही लगाया है, 10 सही लगाया है, 70 भी सही लगाया है, 90 भी सही लगाया और 30 भी सही लगाया है, हमारा आंसर सही है, ठीक है, हमारा सही है, पीछे गलत है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 तो करने लगे, फर्स्ट तो हमने छोड़ ही दिया। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 ही करा देता हूं पहले, क्वेश्चन नंबर 1 पहले क्या था? लास्ट में जा रहा, बिल्कुल ट्रू और फॉल्स बताना है। जो बार ग्राफ होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, हाँ हमने इतने लंबे लंबे रेक्टेंगल ही बनाए थे, ट्रू। सेकंड वाला, बार ग्राफ आर ऑफ डिफरेंट विड्थ, दो बार ग्राफ की मोटाई अलग अलग होती है, सबसे पहले यही समझाया था मैंने। थर्ड, बार ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज बार डायग्राम, बार ग्राफ को बार डायग्राम भी कहते हैं, सही या गलत? ये सही है। और नेक्स्ट इज फोर्थ, बार ग्राफ्स आर ऑलवेज वर्टिकल, क्योंकि ये हमारा हॉरिजेंटल भी होता है ना। इक्वल स्पेसिंग शुड बिटवीन द टू बार्स, दो बार के बीच में हमेशा बराबर दूरी ही होनी चाहिए, एक बार के बाद दूसरा बार, उसके बाद तीसरा बार जब होगा तो उनके बीच में गैप बराबर ही होना चाहिए। अब देख लीजिए होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, डू योर सेल्फ, अब आप ये खुद करेंगे। हाँ बोलो बेटा, हाँ आप एक कॉपी ले लीजिए, उसी में कर लीजिएगा, और उसका नहीं करने के बाद कट करके अपनी कॉपी में पेस्ट करना, कट करके पेस्ट करना अपनी कॉपी में, ठीक है। तो होमवर्क है अब आपका कंप्लीट चैप्टर 14 इन योर स्पेयर नोटबुक। अब आप चैप्टर 14 पूरा कंप्लीट करेंगे, समझ में आया? 3 क्वेश्चन 4, 6 और 7 वो आप कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी तक डिस्कस किया है उसके बेस पे आप ये कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको चैप्टर 14 पूरा कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज 14.1 भी, 14.2 भी और 14.3 भी, ठीक है, बोलो बेटा। कोई बात नहीं, जैसे मैंने कराए हैं, सुनो जैसे मैंने कराए हैं वैसे ही लिख लो आपने, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब आप लोग मुझे अटेंडेंस दे दीजिए, आपकी दूसरी क्लास भी आने वाली है,